संविदा कर्मचारियों ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार के वचन पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार ने आज तक हमें नियमित नहीं किया गया है। संविदा कर्मियों ने आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार तक अपनी बातें रखने के लिए ना जाने कितने प्रयास किए, कभी सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन तो कभी अर्ध नग्न होकर प्रदर्शन किया, कभी मुंडन करवा कर, कभी भीख मांग कर, तो कभी सफाई अभियान चलाकर, इसके अलावा भी तमाम प्रकार के प्रयास किए, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। संविदा कर्मियों ने शहर में जुलूस निकाल कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डोंगरे अब किस विभाग में पदस्थ हो? आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ये है कि जो सरकार बनी थी आपका, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों से वादा किया था और अपने वचन पत्र में भी शामिल किया था कि संविदा कर्मचारियों का हमारी सरकार बनते ही हम नियमितीकरण करेंगे। उस नियमितीकरण के वादे को याद दिलाने के लिए आज यहाँ पे संविदा कर्मचारी और रोजगार सहायक सभी उपस्थित हैं और उसी वादे को याद दिलाने के लिए। अच्छा, क्या कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे? कलेक्टर महोदय को कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया। अगर सरकार आपकी मांगे को स्वीकार नहीं करती है तो अगली रणनीति क्या होगी आपकी? प्रदेश स्तर पे जो भी कार्यक्रम निर्धारित होगा, वर्तमान में तो एक एचआर पॉलिसी का निर्माण हो रहा है मनरेगा में, उसका विरोध के लिए आज का कार्यक्रम था और वादा याद दिलाना। अगर ये आज जो मांगे हमारे द्वारा है किया जाना और नियमितीकरण के संबंध में कार्रवाई आगे बढ़ाई जाना, अगर इस पर नहीं होता है तो आगामी 15 दिवस के भीतर प्रदेश संगठन के निर्णय अनुसार संपूर्ण विभागों के संविदा कर्मचारी एक बार पुनः रोड पर आके आंदोलन करोगे। प्रदेश भर में कितने कर्मचारी हैं? प्रदेश भर में हर विभाग के मिला के अभी जो आकलन हुआ था उसमें 1,33,000 कर्मचारी सरकारी नौकरी करता है। आठ इंडिया न्यूज के साथ अखिलेश यादव बैतूल से। बैतूल से अखिलेश यादव की रिपोर्ट।